मध्य प्रदेश में फिर से लगा बीजेपी को तगड़ा झटका। जोशी के बाद एक और मंत्री देंगे पार्टी से इस्तीफा। मोदी शाह के उड़े होश, मचा हड़कंप। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश बीजेपी में भगदड़ मचना शुरू हो गई है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। दीपक जोशी ने भाजपा पर अपनी उपेक्षा करने और उनके पिता के नाम स्मारक बनाने के लिए जमीन नहीं दिए जाने का आरोप लगाया था। दीपक जोशी के कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी की मुसीबतें अभी यही कम नहीं हुई है। दीपक जोशी के बाद अब एक और बीजेपी नेता ने अपने बगावती सुर दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, बता दें, जानकारी के अनुसार देवास के पूर्व महापौर वरिष्ठ भाजपा नेता शरद पाचुनकर ने भाजपा संगठन की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अनुभवी और सीनियर लीडरों को पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है, आने वाले विधानसभा में भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपको बताते चले, उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में कोई पार्टी नहीं हारी है, हारा वह है जिन नेताओं का आचरण ठीक नहीं था, इसलिए तो पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।